बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ से गांव उन्हानी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। 5 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना है। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। निजी स्कूल की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। बस में लगभग 35 से 40 बच्चे सवार थे। सरकारी छुट्टी के बाद भी स्कूल खुला हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खुला हुआ था और स्कूल की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। महेंद्रगढ़ से ये खबर, जहां गांव उन्हानी के पास ये बच्चों से भरी ट्रक पलट गई। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में 5 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। स्कूल की लापरवाही का खामियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जहां गांव उन्हानी के पास ये सड़क हादसा हुआ, एक स्कूल बस जो बच्चों से भरी हुई थी, लगभग 40 बच्चे स्कूल बस में सवार थे, वो बस पलट गई। इस पूरे हादसे में 5 बच्चों की मौत की सूचना है। दर्जनों बच्चे घायल हैं। स्कूल की लापरवाही की वजह से यहां पर यह हादसा हुआ है। हालांकि आज सरकारी छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था, तो एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की ओर से सामने आई है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल क्यों खुला हुआ था, इसकी परमिशन किससे ली गई थी, क्या इसकी जानकारी आगे थी या नहीं। लेकिन फिलहाल इस बड़ी लापरवाही की वजह से 5 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 5 बेकसूर बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और दर्जनों बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका उपचार फिलहाल चल रहा है। 35 से 40 बच्चे इस बस में सवार थे, जिनको अपनी जान गंवाकर खामियाजा भुगतना पड़ा है। निजी स्कूल की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। अगर स्कूल की छुट्टी होती, क्योंकि सरकारी छुट्टी थी, उसके बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था, अगर यहीं स्कूल की छुट्टी होती तो ना तो ये बस स्कूल से रवाना होती, ना ही बच्चे स्कूल में आते और ना ही ये दुर्घटना होती। तो कई बच्चे इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। निजी स्कूल की लापरवाही की वजह से ये बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। हालांकि छोटा मोटा हादसा ऐसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 40 बच्चे इस बस में सवार थे। उन 40 बच्चों की जान को खतरे में डाला गया और उसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन, जिसकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई। कई बच्चे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 5 बेकसूर बच्चों को अपनी जान गंवाकर इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। रोड पे और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ महेंद्रगढ़ से सौरभ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? स्कूल प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ पर सामने आ गई है, फिलहाल जो बच्चे घायल हुए हैं उनका क्या हाल है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन कनीना के नागरिक अस्पताल में इकट्ठा हुआ है और जितने भी बच्चे इंजर्ड हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, उनकी पूरी तरीके से देखभाल की जा रही है। सिविल सर्जन भी हमारे आ चुके हैं, तो पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ बच्चों की देखभाल कर रहा है। और इसमें सुनने में आया कि 5 से 6 बच्चों की ट्रेजेडी भी हुई है, जो कि बहुत दुखद है। हमारे साथ एक बाबा है जो बताना चाहेंगे इस हादसे के बारे में। जी बाबा, आपका नाम? राज सिंह का नाम। कैसे, क्या हादसा? बहुत बस में हो गया, स्कूल के बच्चे थे, सारा शहर हो गया, सारा शहर। तो बाबा, क्या इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही? तकलीफ है, सारे गांव की तकलीफ है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत ही दुखद हादसा हुआ। 40 बच्चे इस बस में सवार थे, हालांकि
स्कूल प्रशासन की ओर से ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि सरकारी स्कूल सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था, बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि अगर छुट्टी होती तो ना तो वो बस वहां से निकलती, ना बच्चे स्कूल पहुंचते, ना ये दुर्घटना होती। तो साफ तौर पर स्कूल प्रशासन की तो यहाँ पर लापरवाही सामने आई ही है। 40 बच्चे इस बस में सवार थे, उनके परिजनों से क्या बातचीत हो पाई है, क्या परिजनों को इस मामले में पूरी सूचना अब तक दे दी गई है, घायल बच्चों के परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्या वो एक्शन की डिमांड स्कूल प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, पूरा पूरा जिला प्रशासन जो है महेंद्रगढ़ सरकारी अस्पताल और कनीना के नागरिक अस्पताल में मौजूद है, और जो स्कूली बच्चे हैं वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं, और पूरा जिला प्रशासन अभी तो बच्चों की देखभाल में लगा हुआ है। जब उचित कार्रवाई का टाइम आएगा तो मेरे को लगता है कि पूरा जिला प्रशासन और पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लोग इस लापरवाही के खिलाफ खड़े होंगे, और पूरा जिला प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई, जहां से भी लापरवाही नजर आएगी पूरा जिला प्रशासन और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला आगे और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की ओर से सामने आई है। और साथ ही जिन बच्चों को इस पूरे हादसे में, इस पूरे मामले में अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि बेकसूर मासूम बच्चे थे, उनका कोई कसूर नहीं, जिंदगी उन बच्चों की फिलहाल अभी शुरू ही हुई थी और उससे पहले ही उनकी जिंदगी का अंत हो गया, जिसका बड़ा जिम्मेदार स्कूल प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा, उनके परिजनों को जवाब कौन देगा?